नॉर्वे के एक रेस्टोरेंट में कैश काउंटर पर एक महिला आई और उन्होंने काउंटर पर एक ऑर्डर दिया, 5 कॉफी और 1 कॉफी सस्पेंड। महिला ने 5 कॉफी के लिए पेमेंट किया लेकिन अपने साथ सिर्फ 4 कॉफी लेकर चली गई। उससे कुछ समय बाद एक आदमी काउंटर पर पहुंचा। उन्होंने अपना ऑर्डर दिया, 4 फूड पैकेट और 2 सस्पेंड। उन्होंने 4 मील पैकेट का पेमेंट किया लेकिन अपने साथ सिर्फ 2 मील पैकेट लेकर चले गए। गाइस, थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी फटे पुराने कपड़ों पर काउंटर पर पहुंचा। उन्होंने आवाज लगाई, क्या यहाँ पर कोई सस्पेंडेड कॉफी है? तो काउंटर मैन ने कहा, जी हाँ, और 1 कप गर्म कॉफी उन्हें दे दी और उसके पेमेंट भी नहीं लिए। थोड़ी देर बाद एक दाढ़ी वाला आदमी काउंटर पर पहुंचा और उन्होंने काउंटर मैन से सवाल पूछा, इज देयर एनी सस्पेंडेड मील? क्या यहाँ पर कोई सस्पेंडेड मील है? तो काउंटर पर मौजूद आदमी ने गर्म खाने का एक पार्सल और पानी की बोतल उन्हें बिना पैसे लिए दे दिए। गाइस, दरअसल ये नॉर्वे के रेस्टोरेंट्स में अपनी आइडेंटिटी न बताते हुए किसी अननोन और जरूरतमंद गरीब लोगों की मदद करने का एक अनोखा पहल है। और ऐसे ही कई इनिशिएटिव्स के कारण नॉर्वे आज ह्यूमन डेवलपमेंट और हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप कंट्रीज में गिना जाता है। गाइस, भारत में जहाँ कुछ लोग जरूरतमंदों की मदद करने के बदले फोटोज क्लिक कराते हुए अपनी पॉपुलैरिटी बटोरते हैं, आपको क्या लगता है कि यहाँ नॉर्वे की तरह इसी तरह के इनिशिएटिव्स को अपनाया जा सकता है? कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।